Assalamualaikum, hello everyone. मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे रमजान से रिलेटेड एक्टिविटी स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए मैं डिस्कस करना चाह रही थी लेकिन देर हो गई एक दिन से डिले हो गया कोई बात नहीं उम्मीद है कि तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में एहतराम किया जा रहा है और यू आर कमिंग अप विद वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले रमजान का महीना है और जो है बहुत हमारे लिए एजाज की बात है खुशी की बात है एंड देन हम चाहते हैं कि हमारा हमारे अमाल जो है बहुत बहुत ज़्यादा सही हो जाए हमारे लिए ट्रेनिंग पीरियड है ऑल दिस एंड मेनी टाइम्स स्कूल्स में टीचर्स और लेक्चरर्स को ये रहता है कि स्कूल को और कॉलेजेस के टाइमिंग में हम उतना इबादत नहीं कर सकते बट

कि बच्चों के वैल्यूज खुले और दिल उनका जहन खुले के लिए और कुरान का मैसेज जो अल्लाह ताला जो है इस महीने में खास हम सभी एहतराम करते हैं रमजान में के कुरान नाजिल होने को लेकर हम भी चाहते हैं कि कुरान हमारे दिल में उतरे हमारे जहन में उतरे हमारे अमल में आए है ना तो अल्लाह हम ऐसे मौके फराम कर सकते हैं जिससे कि उसका कुरान का जो नूर और इंटरप्रिटेशन है वो हमारे दिलों के अंदर भी हो हमारे बच्चों के दिलों के अंदर भी आ जाए और हम अमल में एक सही तरीके से जो है आ जाए ट्रेनिंग पीरियड के अंदर तो आप स्कूल में क्या कर सकते हैं कॉलेजेस में क्या कर सकते हैं सबसे पहले रमज़ान थीम को ही चलाइए द एंटायर मंथ कैन गो विद रमज़ान थीम अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कई वैल्यूज छुपे हुए हैं रमज़ान में हम सबर करना अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम सबर करें और हम हम जो है उन लोगों के हालत को भी महसूस करें जिनके पास शायद उतनी ज़्यादा जो है उतना वेल वेल ऑफ लाइफ जिसके नहीं है उनके साथ भी हम से जो है एम्पैथाइज कराना चाहते हैं और हमारे को जो है बॉडी के क्लेन्जिंग से लेकर सोल क्लेन्जिंग तक फिर हमारे माल के क्लेन्जिंग तक अल्लाह ताला यहाँ पे इस महीने में करते हैं तो बस इसी किस्म की एक्टिविटीज आप रखिए और थीम जैसे रमजान है और हर हफ्ता आप जो है एक हफ्ता पेशेंट्स के लिए एक हफ्ता सर्विस के लिए लास्ट हफ्ता सर्विस के लिए ठीक है आप ऐसा मुखरर हेल्थ एंड फिटनेस का एक हफ्ता रख सकते सिमिलरली Quran and guidance, ठीक है? So it is like health and fitness, Quran and guidance, patience and service. So you can divide the entire month month into four under four headings इस तरीके से. आपकी मर्जी आप कोई और value लेकर आना चाह रहे तो you are free to do so. अब इसके हिसाब से आप activities plan करिए starting with assembly. अब कुरान का नाजिल होना जो है बहुत ही हमारे लिए बहुत खास जो है इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है रमजान का तो हम क्यों ना कुरान के रेसिटेशन से शुरू करें हमारे असम्बली में अच्छी खासी तिलावत हो और हम जो है उसका ट्रांसलेशन भी बच्चों को प्रिपेयर करके बोलने वाले बने ठीक है अगर हो सका हमारे पास कोई अच्छे स्क्रीन वगैरह है तो स्क्रीन पे भी कुरान के जो है रिसाइटल का एक पीरियड बनियाद का निकाल कर आप उसमें जो है तफसीर और कुरान दोनों चीज़ें मतलब सुनना और समझना दोनों चीज़ों का इंतजाम कर सकते हैं हाई स्कूल के लिए एंड देन एंड वेन इट कम्स टू समय डेकोरेशन है डेकोरेशंस में एक माहौल एक थीम बनाकर ठीक है एक थीम uh, बनाकर बच्चों को जो है रमजान के लिए अच्छे messages, okay? अच्छे मैसेजेस ओके अच्छे अच्छे कोड्स रमजान के निकाल कर बच्चे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं कॉरिडोर में लिख सकते हैं अल्लाह कैसा uh, कैसे कैसे नवाजेंगे एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड विद रमजान दैट इज़ मैंशन इन कुरान एंड हदीस यू कैन हैव अ स्टॉल सॉर्ट ऑफ थिंग विद ऑल डिस्प्लेड मैसेजेस एंड द स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली एक्सप्लेन क्यों ना आप पेरेंट्स को भी बुला लें एक दिन हो सकता है पेरेंट्स को भी बुला लें अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को देखने के लिए तो ये एक हो गया स्टार्ट और इसके साथ साथ अब जहां पे जहन साजी और कुरान को दिल में उतारने की बात है तो आप हाई स्कूल के बच्चों के लिए तकरीबन सिक्स सेवन स्टैंडर्ड से आप जो है बच्चों के लिए कुछ ऐसा जिक्र का मजमु बनाइए जहाँ पे जिक्र हो रही है तिलावत भी हो रही है और कोई अच्छे स्पीकर को बुलाकर जो बच्चों से कनेक्ट हो सके और बात कर सके कि क्यों ज़रूरी है कि हम हमारे रमज़ान के अहमियत को समझें और अपने आप की सफाई जो है हर लेवल से बॉडी माइंड हार्ट सोल से हम जो है क्लियर होके निकले अल्लाह ताला ने ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हैं कि इंसान जो है बिल्कुल एक पाक साफ होकर निकल सकता है इफ़ ही अबाइड्स टू वॉट ऑल हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग रमजान टू गेट अल्लाज रजा ठीक है तो ये चीज आप इनिशिएट कर सकते हैं और जितना हो सके आप अपने टीम के साथ बैठ जाइए और दीनियात टीम को अहम टीम बनाइए दीनियात के साथ सबको जोड़िए हर हर सब्जेक्ट के साथ एक एक दिनियात मेंबर जो है हल्के बना के ये सारे रमज़ान के महीने में क्या क्या है फजीलतों को डिस्कस करेंगे और आमाल को डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और जो जो चीजें कुरान में जो है रेफरेंसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे कोई अच्छे स्कॉलर्स के तफसीर वगैरह एवी रूम में लेकर जाकर सुनाएंगे उसके हाइलाइटेड पॉइंट्स निकाल के बच्चों को इंटरक्शन के जरिए जो है इन्वॉल्व करेंगे एंड देन एट हैविंग सेड ऑल जितना हम सोन सकते हैं उतने अच्छे आइडियाज डेकोरेश को भी मैंने कहा है और पेरेंट्स को भी बुला पेरेंट्स को भी बुला लीजिए बच्चों के परफॉर्मेंस अगर आप स्पीच रखना चाह रहे ऐसे राइटिंग कंपटीशन रखना चाह रहे स्पीच कंपटीशन रखना चाह रहे यू कैन इन्वॉल्व एवरीथिंग Now coming to the the most important and the last one is charity. Day one charity charity Day box assembly कुछ नहीं देने वाले की नीयत है ये अनाउंस करिए बच्चे भी कलेक्ट करेंगे उनके खुद के घर में भी छोटे चैरिटी चार, बॉक्स रखा के कलेक्शन करवाइए और बोलिए हर हफ्ता किसी को आप जो है ये अमानत दे दोगे तो ये जो है हम अगर इंकलकेट करेंगे जब आपके स्कूल के फंड्स कलेक्ट होंगे यू कैन इन्वॉल्व ऑल योर हेड बॉय हेड गर्ल एंड हेड एंड यू कैन रियली गो टू डिजर्विंग ओके अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन और पीपल सिटिंग ऑन द रोड साइड या जो भी आप समझते हैं मस्किन है आपकी नियत अल्लाह जानते हैं वो सर्विस जो है बच्चों से करवाइए बच्चों से करवाइए इनशा तो ये एक चीज है और बड़े बच्चों से जकवात का कैलकुलेशन जक़ात को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ओके okay? जब वो समझेंगे उनसे बोलना कि बेटे आप अपने घर वालों का अपने घर में तमाम लोगों का कैलकुलेशन आप ही करोगे वाई कान वी गिव दिस एज एन एक्टिविटी ओके वेन वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स इंकल्केशन वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाने हम जो है स्टॉल्स भी बना लेते हैं स्कूल में तो रमजान में जक़ात निकालने के लिए जो जक़ात का मामला है हम बच्चों को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट क्यों नहीं दे सकते बिल्कुल दे सकते हैं तो हाईस्कुल बच्चों

हट हटके भी कुछ आइडियाज है तो मैं चाहूंगी कि आप प्लीज शेयर करिए ओके कमेंट इज एक्सपेक्टिंग आंस